बहुत सारे लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जिन भी हमारी तरह की कौम है, और जो बहुत अच्छी बात की बाबा याहिया साहब ने कि वो जहां पर इंसानों का जिक्र आया जिनों का भी आया वी एडमिट, लेकिन वो किसी पर नहीं आते, तो आप इन तोहमात पे मत पड़े, बच्चों को तंग मत करें, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो यही होता है कि हम आपको ऐसी चीजें बताएं कि जिनसे आप कुछ सीखें, जिनसे आपको पता चले कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें किन तोहमात में पढ़ना चाहिए, किन पे नहीं पढ़ना चाहिए। तो बल्कि इतना दुख होता है मुझे कि वो झाड़ू से मार रहे जिन निकल, अभी जिन ने झाड़ू से असल में ये सारे तमाशे झोला के फैलाए हुए हैं, ये जाहिल लोग हैं, ये पैसे बटोरते हैं, ये तोहमात फैलाते हैं, ये लोगों के दिमाग और लोगों के ईमान और ईकान जो हैं लोगों के, उनको बर्बाद बेटा करते हैं ये लोग। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम जिन निकालते हैं, खुदा की कसम अगर वो जिन को देख लें तो वो तो फौत ही हो जाए। उन्होंने जिन भी नहीं देखे होते, वो मनशियात के आदि होते हैं, वो बुरे लोग होते हैं, वो गलत लोग होते हैं, और वो पैसे बटोरते हैं, और वो खाम खा तहज्जुद और तजस्सुस पैदा करते हैं। अल्लाह का जो बंदा है, जो अल्लाह का बंदा है, जो रिज़्क़ के हलाल कमाता है और रिज़्क़ के हलाल खाता है, जिसकी निगाह में पाकीज़गी है, जिसकी यहाँ पे रास्ती है, जिसके हाथ में ईमान है, जिसका दिल रोशन है, उसको तो जिनसे डर नहीं लगता। आप यकीन करें हमारे लोगों में आज भी, मैं ये राज की बातें हैं, आज भी लाहौर के अंदर हजारों ऐसे इंसान हैं जिनसे जिन जो है आगे पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं, और उनके पास मौजूद होते हैं बैठे हुए लोगों में अपने अपना तोलाबा के अंदर। और उन्हें पता होता है कि वो जिन है? नहीं पता होता। उस्ताद को पता होता, पता होता है? पता होता, उस्ताद तो जानता होता। और ये इसी लाहौर के अंदर, इसी लाहौर के अंदर सैकड़ों जिन्नात ने उलमा के कोर्स किए, कुरान हिफ्ज़ किए, और करके तो वो वापस अपना कोकाफ में गए, अपने कबीलों में गए, और वो आलम दीन बने। अब जब आप हज करने जाती हूँ, उमरा करने जाती हूँ, आपके साथ करोड़ों लाखों जिन होते हैं जो उमरा और हज कर रहे होते हैं, वो आप दिखाते नहीं हैं। अगर आपको अल्लाह मियाँ ने चश्मे बीना दी हो तो काबे शरीफ को 20 फुट से ऊंचा देखो तो आपको निशान नजर आएंगे जिन्नात के हाथों के। जिन्नात जो हैं वो हज करते हैं, वो उमरा करते हैं, जिन्नात हाफिज कुरान है, जिनको मौत आती है, जिनकी शादी होती है, जिनकी शादी होती है, और अभी तक इस दौर तक सहाबा जिन्नात मौजूद है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनके कदमों में बैठे, उनसे तालीमात हासिल की, वो अभी तक सहाबी जिन मौजूद हैं। जाओ किसी इल्म वाले से और किसी इंसान से जाके पूछो जाके, वो जिन आज भी मौजूद हैं, सहाबी जिन मौजूद हैं। और लेकिन एक चीज़ है, आपकी मेरी उम्र जो होती है ना वो 100-200 साल, 150 साल, 60-75 साल होती, उनकी उम्रें जो होती हैं बेटा वो हज़ारों सालों की होती है, 11,000 साल, 12,000 साल, 10,000 साल, 2,000 साल, इसलिए वो आंसर ही डिफरेंट होता, वो चीज़ ही मुख्तलिफ है। हम मट्टी पानी हवा से बने हुए हैं, वो अल्लाह के नूर से बने हुए हैं, वो आग से बने हुए हैं, उनकी उम्रों का आप ताजुन नहीं कर सकते। और यकीन फरमाएं कोई मंदिर आप आसमान देखती हैं, चांद सूरज देखती हैं, आप निगाह उठा के आसमान की तरफ जब देखती हैं बेटा, तो आप यकीन करें आपको तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी नज़र और आपकी टारगेट के दरमियान लाखों और हजारों जिन्नात होते हैं जो महवे परवाज होते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए आपके सामने एक शीशे की प्लेट है, उस प्लेट से आप आर पार देखती हैं, देखते हैं नहीं देखते, देखती हैं ना, आर पार देखती हैं, बिल्कुल। तो जिन भी सामने होगा, जिन सामने होगा, हवा के आर पार देख लेते हैं, देखती हैं आप, जिन के सामने, आपके सामने जिन होगा तो आप उसके आर पार देख सकती हैं।